एकदम नए तरीके से चावल के कसार की लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी और महीनों ये लड्डू ख़राब नहीं होंगे। इस लड्डू की सबसे बड़ी बात है कि ये एक चम्मच घी से बना है। इसकी पूरी विधि देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब कसार बने हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आधा केजी चावल का आटा लिया है। ये चावल का आटा मैंने घर पे बनाया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये चावल का आटा है और ये घर का बना हुआ चावल का आटा है, एकदम शुद्ध आटा है। तो ये आप भी बना सकते हैं। इसके लिए आप चावल ले लीजिए आधा केजी और उसको धो लीजिए। एक घंटे के लिए चावल का आटा ऐसे भीगा रहने दीजिए और इसको आप किसी कपड़े पर ऐसे सुखा लीजिए कि बस इसका पानी जो है हल्का सा सूख जाए। तो जब ये हल्का पानी सूख जाएगा, तब आप इसे किसी भी कढ़ाई में डाल के, देखिए मैं इस कढ़ाई में कोई भी घी नहीं डाली हूँ, और इसको इसी तरह से थोड़ा सा भून लूँगी। तो बस इसको हल्का सा हमको भून लेना है। तो बस देखिए, इस तरह से भूनेंगे, जो हल्का सा भी चावल का पानी है वो निकल जाएगा। और बहुत ही अच्छे से देखिए चावल भुन गया है, और इसको हमने मिक्सर के जार में देखिए डाल के इस तरह से मैंने पाउडर बना लिया है। तो अब ये देखिए, चावल का आटा एकदम रेडी है आधा केजी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैस ऑन कर दिया है और अब हम इस चावल के आटे को भुनेंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी घी नहीं डाला है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखिए। ये चावल को हम हल्का सा भुनेंगे। तो ये देखिए, ये चावल जब हल्का सा देखिए इस तरह से भुन जाएगा, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम आपको एकदम लो रखना है। लो फ्लेम में ये चावल के आटे भुनिए, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये चावल के आटे हल्के से भुन चुके हैं। अब हम इसमें एक चम्मच, एक बड़े चम्मच में घी डालूंगी। तो ये देखिए, मैंने एक बड़े चम्मच घी डाला है और अब हम इसमें अच्छे से इसको भुनेंगे। तो देखिए, बस इस तरह से हम इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चला के भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो बस देखिए, बहुत ही टेस्टी ये कसार होते हैं। अक्सर लोग छठ के अवसर पर या ऐसे कोई व्रत में भी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि जब ये अच्छे से भुन जाएगा ना, तो इसका आपको कलर जो है चेंज दिखने लगेगा। तो ये चावल देखिए बहुत ही अच्छे से भुन के रेडी हो चुका है। और अब हम यहाँ पर नारियल का पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने नारियल का पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नारियल पाउडर भी मिला दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर हम इसमें खोआ डालेंगे। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें मावा डाल दिया है और अब हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है और ये ड्राई फ्रूट्स है। तो मैंने काजू डाला है, बादाम डाल दिया है, पिस्ता डाला है और थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस करके भी डाल दिया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास पिसी हुई चीनी है। तो आपको जितना मीठा, आप अपने अनुसार इसमें चीनी डाल सकते हैं। अब हम देखिए इसको मिला लेंगे। और देखिए, मैंने चीनी मिला के, अब आप सोच रहे होंगे कि गैस ऑन है और चीनी मिलाया है और इसमें जो नारियल का बूरा है, तो देखिए जब आप इसको अच्छे से मिलाएंगे तो ये तेल छोड़ेगा, उससे बहुत ही अच्छा लड्डू बनेगा। तो बस देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। जो लोग कसार खाते होंगे वो जानते होंगे कि ये अक्सर जैसे शादियों पर भी बनता है ये कसार। तो इसमें खूब अच्छे से मावा और ड्राई फ्रूट पड़ता है, तभी ये टेस्टी कसार बनता है। तो बस देखिए, धीरे धीरे हमने पूरा अच्छे से इसमें इसको मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है। और अब हम इसमें देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके, ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक देंगे। तो 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था। तो ये देखिए, मावा और नारियल का बूरा, ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो ये देखिए, मैंने परात में बहुत ही निकाल लिया है अच्छे से, ताकि यहाँ पर हम लड्डू बनाएंगे। तो बस देखिए, इस तरह से आपको निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला कसार होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, पहले के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में घी डालते थे, ये एकदम नया तरीका है कि कम घी में एकदम टेस्टी कसार आप कैसे बना सकते हैं। तो बस देखिए, इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपको हाथों से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए, आप बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये फटाफट ये लड्डू बन जाते हैं। तो ये देखिए,
ये बहुत ही अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। अब हम इस तरह से सारे लड्डू को बना देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहा है। और अब हम इसको एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक और लड्डू में बना के दिखा रही हूँ कि कितने आसानी से ये लड्डू बन रहा है, और एक चम्मच घी से। तो बहुत ही एकदम मुंह में घुल जाने वाले कसार। देखिए इस तरह से फटाफट आप सारे कसार को बना लीजिए। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, चावल जो है बहुत ही अच्छे से भुना होना चाहिए, तो और भी टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। तो देखिए फटाफट टेस्टी कसार, बहुत ही कम घी में एकदम शानदार कसार तैयार है। और अब हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि सॉफ्ट बने हैं हुए हैं। तो ये देखिए एकदम मुंह में घुल जाने वाले कसार, एकदम आराम से हाथों से ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, एकदम बुरबुरा और बहुत ही टेस्टी बनता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कसार के बारे में कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।